अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जिस तरह से देखा था कि अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी तो हम किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, बट इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन नहीं है, बल्कि हमारे पास डायरेक्ट एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जिन पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए ये मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। इसमें हमारे पास अब क्योंकि हमें डिग्री तो पता ही नहीं है, इक्वेशन हमें दी गई नहीं है, तो हम अपने हिसाब से नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बना लेंगे और फिर आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक्स की हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो वो मैंने एक्स की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर उतार रही हैं, जिसके ऊपर मेरे पास एफ ऑफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। अब डेल एफ ऑफ एक्स हमने बताया है कि किस तरह से बनता है, कि हम एफ ऑफ एक्स नॉट में से एफ ऑफ एक्स वन में से एफ ऑफ एक्स नॉट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 12 में से जब 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 9। इसी तरह से अब अगली वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 81 में से 12 यानी कि एफ ऑफ एक्स टू में से एफ ऑफ एक्स वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स वन। तो जब हम ऐसा करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे 81 में से 12, तो हमारे पास आंसर आएगा 69। अब जब हम डेल एफ ऑफ एक्स टू निकालेंगे तो उसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स थ्री में से एफ ऑफ एक्स टू को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, यानी 200 में से हम 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 119। इसी तरह से अब हम डेल एफ ऑफ एक्स थ्री निकाल लेंगे, डेल एफ ऑफ एक्स थ्री के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा -100। और अब हम जब डेल एफ ऑफ एक्स फोर निकालेंगे तो अब हम क्या करेंगे, 8 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा -92। अब हम डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेल एफ ऑफ एक्स वन में से डेल एफ ऑफ एक्स नॉट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी डेल एफ ऑफ एक्स वन में से डेल एफ ऑफ एक्स नॉट को, तो 69 में से जब हम 9 निकालेंगे हमारे पास आएगा 60। इसी तरह अगली वैल्यू निकालने के लिए हम डेल एफ ऑफ एक्स थ्री में से डेल एफ ऑफ एक्स डेल एफ ऑफ एक्स टू में से डेल एफ ऑफ एक्स वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जब हम 119 में से 69 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 50। नाउ फॉर नेक्स्ट, हम नेक्स्ट किस तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे, हमारे पास यहाँ पर है -100, तो जब हम -100 में से 119 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा आंसर -219। और इसी तरह अब हम जब -92 में से -100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। अब हमें अभी फ़िलहाल नहीं पता है कि हमें कहाँ तक जाना है, तो हम कहाँ तक जाएंगे जब तक हमारे पास सिर्फ एक सिंगल आंसर नहीं आ जाता, तो अब हमें अगला ये भी फिल करना पड़ेगा। तो अगले के लिए हम 50-60 यानी कि डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स टू में से डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास पहला आंसर आएगा -10। इसी तरह से अब हम इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स थ्री में से डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स टू को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स वन की, जो कि है -269। यानी हमने -219 में से -50 को सब्ट्रैक्ट किया, -219 में से 50 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास ये आंसर आया। इसी तरह अब हम अगली वैल्यू के लिए 8 में से माइनस कर देंगे -219, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 227। अब फिलहाल हमारे पास तीन वैल्यूज है, तो इसका मतलब हमें इस कॉलम को भी फिल करना पड़ेगा पूरा। तो अब हम डेल 4 एफ ऑफ एक्स नॉट के लिए डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स वन में से डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स नॉट को यानी कि -269 में से हम माइनस कर देंगे -10, तो हमारे पास आंसर आएगा -259। और अब हम अगली वैल्यू के लिए 227 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे -269, तो हमारे पास आएगा 496। अब हम डेल 5 ऑफ एक्स नॉट के लिए इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 755। ये आ गई हमारे पास एक सिंगल वैल्यू। अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा।
आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।